हेलो गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं क्लॉथ मॉडिफायर के बारे में। तो लेट्स बिगिन। तो हम सबसे पहले एक प्लेन लेते हैं नॉर्मली, यस, इसको सेंट्राइज कर लेते हैं। ओके, तो अब हम एक क्लॉथ, तो हम एक बॉक्स लेंगे। हम यहाँ पे एक पिलो बनाने वाले हैं क्लॉथ मॉडिफायर की मदद से। तो हम एक पिलो ले लिया हमने, और इसकी लेंथ हमने रख ली 40, जो भी आपकी मर्जी हो, 40 और 60 या फिर 40 रख लीजिए एक स्क्वायर में। एंड हाइट 0.1। ओके, सो दोस्तों याद रहे कि हम जब भी क्लॉथ मॉडिफायर यूज़ करें तो जिस भी ऑब्जेक्ट पे करें तो उसमें सेगमेंट्स होनी चाहिए, वरना क्लॉथ मॉडिफायर का सिमुलेशन काम नहीं करेगा। तो इसकी हम सेगमेंट्स कर लेते हैं 30। देखने के लिए F4 प्रेस कीजिए, और ये भी 30। ओके गाइस, तो 30 इनफ बहुत है। तो मॉडिफायर लिस्ट में जाएंगे और यहाँ से क्लॉथ मॉडिफायर को ले लेंगे। देन इसके बाद आपको जाना है ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में। देन यहाँ पे बॉक्स है आपका सिलेक्टेड, इस पर क्लॉथ पे क्लिक करेंगे। एंड देन यूज़ जो भी आप समझ जाए, कॉटन, फैनल, जेनरिक हैवी, हैवी लेदर, रबर, सैटिन, सिल्क, वट एवर यू लाइक। तो मैं सिल्क लेता हूँ या सैटिन ले लेता हूँ। और इसका प्रेशर, जो कि प्रेशर होगा इसका 4, हम प्रेशर रख लेते हैं फ़िलहाल के लिए। एंड ऐड ऑब्जेक्ट, तो ऐड हम वो करेंगे जो भी हम जिससे हम कोलाइड करना चाहते हैं अपने पिलो को। देन ऐड प्लेन, और प्लेन को हम कोलिजन ऑब्जेक्ट में रखेंगे। ध्यान रहे, बॉक्स को, जो भी आपका पिलो या कुछ और है उसको क्लॉथ में, एंड देन जो भी कोलाइडेबल ऑब्जेक्ट है उसको कोलाइडेबल ऑब्जेक्ट में। देन प्रेस ओके। नाउ सिंपली क्लिक सिमुलेट लोकल। नाउ यू कैन सी आवर पिलो। ओके, जस्ट स्टॉप इट। तो ये एक तरह से पिलो बन गया हमारा। अगर आप चाहते हैं कि ये सीधा गिरे तो एक काम कीजिए, इसको अपन रीसेट स्टेट पे कीजिए। एंड देन कॉपी इट, कॉपी, एंड देन रोटेट इट। रोटेट के लिए यहाँ चाहिए 90 डिग्री, एंड देन रोटेट इट थोड़ा ऊपर। ओके, पहले हम इसको करते हैं सिमुलेट लोकल। यू कैन सी इट विल वर्क ईजली। ओके, नाउ स्टॉप द सिमुलेशन। देन सिमुलेट लोकल। तो ये वर्क नहीं कर रहा, तो ऐसा क्यों हुआ? गो टू ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी। यहाँ पे ऐड नहीं है ऑब्जेक्ट, और ना ही ये क्लॉथ है। तो क्योंकि हमने इसे कॉपी किया था तो ये इंस्टेंस नहीं हुआ था। देन क्लॉथ, सैटिन, प्रेशर 4, एंड देन ऐड ऑब्जेक्ट, प्लेन, कॉलर डालो। क्रॉस चेक कर लीजिए, ठीक है यानी। ओके, देन ओके सिमुलेट लोकल, बट not rotate, so set the initial state. That's now you can see our pillow. Now you can see there is a ये इसके अंदर घुस रहा है, सेल्फ कॉलर्ड नहीं हो रहा है। तो इसे करने के लिए रीसेट स्टेट पे जाइए पहले सिमुलेशन रोक दीजिए वरना ही चलती रहेगी। रेटर स्टेज पे जाइए और नीचे आइए, नीचे आपको मिलेगी सेल्फ कॉलिजन, इसको 1 या 2 कर दीजिए। हम देखते हैं सिमुलेट, देन स्टॉप जहाँ पे आप चाहते हैं स्टॉप, ये ठीक है ओके। हमने क्लॉथ सिमुलेट कर लिए हैं तो ये रियलिस्टिक नहीं लग रहे, एकदम प्लेन, तो हम इसमें यूज़ करेंगे, इस पे जाके कोलैप्स ऑल कर दीजिए एंड देन कोलैप्स ऑल, यस okay. Now you can see we have, इसके सेंटर में कर लेते हैं पाइवट, so we have 2 pillow. Now इसमें कोई सीम नहीं है जैसा कि आप देख रहे हैं, तो हम इसकी सीम बना लेते हैं, एडिबल पॉली पे करते हैं एंड देन इसका फेस सेलेक्ट करके शिफ्ट के साथ रिंग सेलेक्ट कर लेते हैं एंड देन राइट क्लिक बेवल, सो इसको लोकल में कर लेते हैं एंड देन लिटिल बिट अंदर की तरफ, ओके एंड देन ओके परफेक्ट right and then। तो हमने इसकी सीम बना दी है और इसमें हम थोड़ी सी नॉइज़ ऐड कर लेते हैं नेचुरलिटी के लिए, नॉइज़ ओके। सो फ्रैक्टल सीट कम कर लेते हैं एंड देन यूज़ टू। तो हमने 2-2 स्ट्रेंथ ले ली हैं और हम स्केल को बढ़ाएंगे, सो यू कैन सी इट्स लाइक नॉइजी लाइक कुशन्स ओके लाइक दिस। गो टू एडिबल पॉली, इसके फेस पकड़ेंगे एंड देन शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करेंगे एंड क्लिक बेवल। नाउ गो टू लोकल नॉर्मल्स, इसको अंदर की तरफ डालेंगे ओके एंड देन परफेक्ट। नाउ ऐड नॉइज फैक्टर स्ट्रेंथ 2, 2 and reduce the scale, you can see not more, little bit, that's good, that's good okay। Now तो अब हम इस पर टर्बोस्मूथ डालते हैं, देखते हैं कैसा लगता है टर्बोस्मूथ ओके। F4 प्रेस कीजिए, सी एकदम कम्प्लीटली सीम एंड कुशन, तो ये बहुत इजी है। इसमें भी टर्बोस्मूथ डाला नहीं इसलिए ऐसा लग रहा है, तो इसमें भी टर्बोस्मूथ डाल देते हैं, तो ये भी तैयार हो गया। तो अब आप जैसा चाहें इसमें मटेरियल डाल सकते हैं, प्रेस M फॉर मटेरियल एंड देन गो टू रेंडर सेटअप फर्स्ट ऑफ ऑल एंड सेलेक्ट V-Ray नेक्स्ट एंड देन गो टू कस्टम HDTV, then go to material standard, go to V-Ray material, now put it on it, and then go to checker. For visible, press this icon. Okay, I have made a mistake. This is my video material. Go to checker for visibility. This, okay. So we have two colors. So one, I think, orange. Okay. Now tiling 2 and 2, so look nice. Same, apply this material. Now go to this material, V-Ray material. What happened? I think it's like okay. It will keep some time. Discard old material. Okay. Okay. Video material, and then color like grayish. Some reflectivity, assign to plane. Now scale the plane, go to lights, V-Ray light. Okay, go to top view, and then perspective, and adjust the light. So press F9 to check the render. So its light is too heavy. Perspective. Go to light setting and do this 5. Okay, see. See this. Cloth are visible, and you put the any texture of cloth you can download from net and put in on. So I think like this, go to light for, I think it's studio 10 F9. Okay, it's good. So hope you like the tutorial. Press the like button and subscribe button if you are new to the channel, and keep sharing. Thank you. Thanks for watching.